अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो और ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद अच्छी और खैर से गुजर रही होगी। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे वो मेरा सेंट ऑफ द ईद भी है, जिसका नाम है रोवन बाय MTJ। 100 ml का जूस है इसमें और EDP कंसेंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन UAE। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉल किस टाइप की है। MTJ एक पाकिस्तानी डिजाइनर हाउस है जिसे मौलाना तारिक जमील साहब ने 2020 में लॉन्च किया, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर और लैंडलॉर्ड फैमिली से हैं। और इस ब्रांड को लॉन्च करने का मकसद किसी किस्म का कॉम्पिटिशन, मुकाबला या प्रॉफिट कमाना नहीं है। और इस ब्रांड को लॉन्च करने का मकसद ये था कि मौलाना तारिक जमील साहब सन 2000 से एक मदरसा भी चला रहे हैं जिसमें कुरानी तालीमात के साथ अरबी जबान और असबाक भी पढ़ाए और सिखाए जाते हैं। और वो मदरसा चैरिटी, ज़कात और मौलाना साहब के ज़ाती सरमाए से चलते चलते मजीद 10 और ब्रांचेस में फैलता गया और साथ ही उन मदारिस के अखराजात भी बढ़ने लगे। और सन 2020 में लॉकडाउन और कोरोना आते ही ज़कात और चैरिटी का सिलसिला रुक गया, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अपना खुद का ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसकी मदद से वो इन मदारिस को चला सकें। सो सन 2020 में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल करने के बाद उन्होंने अपने बेटे यूसुफ के साथ इस MTJ ब्रांड पर काम शुरू किया और 2021 में कराची शहर से अपनी पहली आउटलेट का आगाज किया। और अब तक मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में 15 के करीब इनकी आउटलेट्स हैं और उसके अलावा एक आउटलेट न्यू जर्सी और एक आउटलेट न्यूयॉर्क सिटी में भी ऑपरेट कर रही है। सो इस डिजाइनर हाउस का मकसद एक नोबल कॉज को सपोर्ट करना है और इस ब्रांड का मानना है कि इस हाउस से परचेजिंग करना एक नेक अमल में हिस्सा डालने के बराबर है। यह हाउस मेल, फीमेल और ट्रेडिशनल वेयर पे काम कर रहे हैं और साथ ही हाउस एक कम अरसे में फ्रेग्रेंसेस पर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। रोवान एक अरेबिक का वर्ड है और मुस्लिम बॉय नेम भी, जिसका मतलब होता है जन्नत का दरिया या रिवर ऑफ पैराडाइज। ओके, सो हियर इज द बॉटल। बॉटल की शेप और लुक्स काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत है और साथ ही अपने बाकी के दो फ्लैंकर से मिलती जुलती है। जस्ट कलर में डिफरेंसेस हैं। एक खूबसूरत सी मिल्की व्हाइट और फ्रॉस्टेड व्हाइट कलर की ग्लास बॉटल है, जो कि लुक वाइज भी एक पॉपुलर फ्रेग्रेंस को सिंबलाइज कर रही है। बॉटल के फ्रंट पर नाम, लोगो और EDP मेंशन है, उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल टू हैवी वेट मेटल का कैप है इसका और कैप के टॉप पर खूबसूरत पैटर्न के साथ कंपनी का लोगो है। और ये कैप मुझे काफी हद तक कैसानोवा मैन बाय ईडन रोप की तरह दिखती है। कैप काफी हद तक फिट बैठती है, मगर कैप की मदद से बॉटल को उठाना थोड़ा सा रिस्की है। वैसे तो इस डिजाइनर हाउस ने पिछले 3 सालों में काफी फ्रेग्रेंसेज लॉन्च की है, सो इस हाउस की 4-5 फ्रेग्रेंसेज एक्सप्लोर करने के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की और भी फ्रेग्रेंसेज एक्सप्लोर करूं, जो कि आपको इस चैनल पर MTJ की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में बर्गमॉट और ऑरेंज है, मिडिल नोट्स में ग्रीन टी और ब्लैक करंट है, और बेस नोट्स में सैंडलवुड, मस्क, पेटेड ग्रेन और गैल्बेनम है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको हल्के से फ्रेश और सिट्रसी लेमन के नोट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बिटर बर्गमॉट और स्वीट ऑरेंज के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको स्वीट ऑरेंज और बिटर बर्गमॉट के नोट के साथ रिफ्रेशिंग से ग्रीन टी लीव्स और लाइट से फ्लोरल नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राउन स्टार्ट होगा तो इस फेज में आपको एक फ्रेश ग्रीन और ग्रासी ग्रीन टी के नोट के साथ ऑरेंज लीव्स, हल्के से स्वीट नोट्स, सॉफ्ट सैंडलवुड और मस्की नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, रिफ्रेशिंग ग्रीन, फ्लोरल, वुडी और मस्की फ्रेग्रेंस है। इस बॉटल के कलर, लुक्स और थीम से आप समझ गए होंगे कि ये किसका क्लोन है और उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल ये एक हाईली रेकमेंडेड समर फ्रेग्रेंस है, जो कि अच्छी खासी प्रोजेक्शन और लास्टिंग देती है, और शायद यही वजह है कि आए दिन आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। और इसे बाय करने के लिए पिछले काफी दिनों से दिन में 6-7 बार इनकी वेबसाइट विजिट करता रहा, और जैसे ही ये रीस्टॉक हुई तो इसकी 2 और बॉटल्स ऑर्डर करके मैंने इसे फिर से आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। एज की बात कर लेते हैं। ये एक अमेजिंग सी फ्रेश और ग्रीन समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, जिसे 18+ किसी भी एज के मेल्स वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, जिसे एक्सट्रीम समर्स में ज्यादा एंजॉय किया जा सकता है। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल रिलीजियस ओकेजन या आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी में वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 1.5 से 2 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा एक आम लेंथ या उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका सियाश है, और 5 से 6 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन कि अगर आप इंडोर्स में इसे वेयर करें तो 7वें घंटे में भी आपको अपने कपड़ों से इसकी हल्की हल्की खुशबू फील होगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी 100 ml की प्राइस 5,450 रुपए है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द ब्रीज ऑफ हिमालय नाम दूंगा। तो जहां मैंने पाया कभी सोचा ना था ये मिलो दूरों का साया। इसे रेटिंग दे रहे थे। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 10 out of 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 out of 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 out of 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 out of 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 out of 10।
और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेगरेंस किसका क्लोन है। सो ये फ्रेगरेंस सिल्वर माउंटेन वाटर बाय क्रीट का एक अच्छा हाई क्वालिटी और गुड परफॉर्मर क्लोन है, जो कि क्लब डिनवे सियाज बाय अरमाफ से काफी ज्यादा बेहतर और एक्सेप्टेबल है और साथ ही उसकी रिसेंट बैचेस से काफी ज्यादा बेहतर है। वहीं इन दोनों फ्रेगरेंसेस को अगर साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए तो ये फ्रेगरेंस ओपनिंग से ही काफी ज्यादा रिफाइन और स्मूथ है और साथ ही इस फ्रेगरेंस में एक ना होने के बराबर स्वीटनेस शामिल करके इसे और भी ज्यादा लाइकेबल या इजी टू वेयर बनाया गया है। और पर्सनली मुझे प्राइस परफॉर्मेंस और क्वालिटी वाइज क्लब डिनवे सियाज बाय अरमाफ से एक बेहतर ऑप्शन लगी और शायद यही एक रीजन है कि आए दिन ये फ्रेगरेंस आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। MTJ House J. की निस्बत काफी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इनकी फ्रेगरेंसेस UAE में मैन्युफैक्चर हो रही हैं और J. की फ्रेगरेंसेस जब से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं तब से उनकी परफॉर्मेंस में काफी इशू आ रहे हैं। क्योंकि सक्सेस ये नहीं है कि आप हर दो हफ्ते बाद एक नई फ्रेगरेंस लॉन्च करें, बल्कि सक्सेस ये है कि भले ही कुछ ही फ्रेगरेंसेस लॉन्च की हों मगर उनमें अच्छा काम किया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।